दौर की बात करेंगे जहां राहुल गांधी के नाम एक धमकी भरा खत कारोबारियों के पास पहुंचाया गया, जिसमें राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मामला जूनी इलाके का है, जहां एक नमकीन कारोबारी के पास कोई अनजान शख्स चिट्ठी देकर चला गया। कारोबारी ने पुलिस को खत सौंप दिया है। अब क्राइम ब्रांच मामले की जांच में है। खत पहुंचाने वाले की पतासाजी के लिए सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री से ठीक पहले इस तरह की धमकी भरा खत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं राहुल गांधी को मिली धमकी को लेकर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश आएंगे तो उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मामले को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं। राहुल गांधी के नाम धमकी वाले पत्र के लिफाफे पर प्रेषक के तौर पर रतलाम विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। इस बारे में उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि ऐसे किसी पत्र से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और तत्काल षड्यंत्रकारी को पकड़कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस को देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है। और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। इस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने के, पर यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर तर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी, और देख रही है कि कितना सफलता है। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हम पर हमें है। और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी प्रयास करते हैं राहुल जी, इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं, और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्टंट है। मध्य प्रदेश सुरक्षित है, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इसलिए न इस प्रकार की कोई घटनाएं मध्य प्रदेश के अंदर कर सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय राहुल गांधी जी की सुरक्षा से लेकर चाहे माननीय कमलनाथ जी हो या और भी कोई लोग हो, सबकी सुरक्षा मध्य प्रदेश में सब सुरक्षित है। ये पत्र मुझे एक स्टंट दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से यात्रा में जिस प्रकार से लोग आज यात्रा को इग्नोर कर रहे हैं, यात्रा जिस प्रकार से असफलता की ओर जा रही है, तो उनको लगता है कि स्टंट कैसे बनाया जाए जिससे मीडिया के माध्यम से कैसे लोगों में हम पहुंचे। मुझे लगता है कि इस यात्रा इस पत्र के पीछे मुझे कोई साजिश दिखाई देती है। इंदौर में मेरे नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है जिस पर प्रेषक के रूप में मेरा नाम लिखा गया है। यह पत्र मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मैंने रतलाम पुलिस अधीक्षक व इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायण मिश्रा जी से कहा है कि इसकी तत्काल जांच की जाए व ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।